नमस्कार, मैं आदिल राजपूत आपका स्वागत करता हूँ IMS टुडे में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर। बादल फटने की घटना के बाद अब तक सिक्किम में 37 शव मिले, 22 जवानों समेत 109 लोग लापता। गुजरात में बनकर तैयार हुई बुलेट ट्रेन के लिए पहली पर्वतीय सुरंग। सरकार ने धान की खरीद शुरू कर दी, अब तक 12 लाख टन से ज्यादा धान खरीद चुकी है सरकार। RBI ने चौथी बार ब्याज दरें स्थिर रखी, इस साल महंगे 5.4% रहने का अनुमान। संजय सिंह की रिमांड 10 अक्टूबर तक बढ़ी, ED ने पिछले दिन की थी गिरफ्तारी। रणवीर के बाद कपिल, हुमा और हीना को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ED का समन। अबकारी मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने ED से मांगा सबूत। DMRC ने शुरू की नई योजना, अब व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हैं मेट्रो का टिकट। नॉर्वे के जॉन फोसे को मिला साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। एशियाड में तीरंदाजों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, ज्योति, अदिति और परिणीति की तिगड़ी को मिला स्वर्ण पदक। हवाई ईंधन के मूल्यों की वृद्धि के कारण इंडिगो आज से बढ़ाएगी किराया। भारतीय मूल के रचिन ने इंग्लैंड को हराकर 9 विकेट से न्यूजीलैंड को जीत हासिल कराई। आज के लिए बस इतना ही, आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए IMS टुडे के साथ।